नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, होली का त्यौहार आ रहा है और हर हिंदू धर्म का व्यक्ति होली के त्यौहार का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और हिंदू धर्म में होली को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। दोस्तों, आज हम आपको तीन ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं, अगर आप भूलवश या जानबूझकर इसे किसी को दे देते हैं तो दोस्तों आपके घर में भयंकर गरीबी आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, होली के दिन इस चीज को आप अपने घर से भूलकर भी ना निकालें, नहीं तो दोस्तों आपको इसका बहुत ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा और आपका पूरा परिवार दरिद्र हो जाएगा, आपके घर में गरीबी आ जाएगी और आप दर दर भटकते रहोगे। ये तीन चीजें ऐसी कौन सी हैं, इसके बारे में जानने के लिए आप यह आज का वीडियो आखिर तक जरूर देखते रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आप हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही वास्तु शास्त्र और चाणक्य नीति से संबंधित वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी को प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी गरीबी ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दें। तो दोस्तों, जानते हैं कि वे ऐसी तीन चीजें कौन सी है जिन्हें वास्तु के अनुसार होली के दिन इन्हें किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, नंबर एक पर है झाड़ू। जो आप अपने घर में साफ सफाई के लिए झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं उस झाड़ू को दोस्तों होली के दिन किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों झाड़ू को देवी मां का दर्जा दिया हुआ है। झाड़ू घर की साफ सफाई नहीं करती बल्कि यह आपके घर की साफ सफाई के साथ साथ आपके घर की नकारात्मक शक्तियों को आपके घर से बाहर निकालती है, इसलिए झाड़ू को देवी मां का दर्जा दिया गया है। आप अपने घर की झाड़ू को अगर किसी दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं तो दोस्तों आपके घर में दरिद्रता आ जाएगी, खास करके आप होली वाले दिन या होलिका दहन वाले दिन झाड़ू को किसी भी व्यक्ति को या अपने कितना भी आपका रिश्तेदार या आपका चाहने वाला है उसे घर के इस्तेमाल में होने वाली झाड़ू ना दें, नहीं तो दोस्तों आपके घर में नकारात्मक शक्तियां आ जाएंगी और आपके घर में भयंकर गरीबी आ जाएगी, इस बात का आप खास ख्याल रखें। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है आप तांबे के बर्तन को होली के दिन किसी को भी ना दें। अगर आपके घर में इस्तेमाल होने वाला कोई तांबे का बर्तन है तो वास्तु शास्त्र और हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक इसे किसी भी व्यक्ति को ना दें। जैसे ही आप तांबे से बनी किसी धातु को अपने घर से निकाल देते हैं तो दोस्तों देवी लक्ष्मी भी आपके घर से निकल जाती है, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि होली वाले दिन आप तांबे से बनी धातु या बर्तन को किसी अपने चाहने वाले या रिश्तेदार या पड़ोसी को ना दें, नहीं तो दोस्तों आपके घर में भयंकर गरीबी और दरिद्रता आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर है पैसा। अगर आप होली वाले दिन किसी व्यक्ति को पैसा उधार दे देते हैं तो दोस्तों आपके घर में कभी भी पैसा नहीं टिकेगा। होली वाले दिन लक्ष्मी यानी कि पैसे को अपने घर से ना निकालें। किसी को उधार दिया गया पैसा आपके घर की बर्बादी का कारण बन सकता है, इसलिए आप होली वाले दिन और होलिका दहन के दिन किसी को पैसा उधार ना दें। दोस्तों, आपके द्वारा दिया गया पैसा आपके घर की बर्बादी का जरूर कारण बनेगा, इसलिए हिंदू धर्म शास्त्र और वास्तु शास्त्र कहता है कि आप
होली वाले दिन यह गलती भूल कर भी ना करें। दोस्तों ये तो तीन ऐसी चीजें थी जिसे आप किसी को भूल कर भी ना दें। अगर आप होली वाले दिन इन चीजों को किसी व्यक्ति को दे देते हैं तो दोस्तों आपके घर से गरीबी कभी भी नहीं निकलेगी। तो इन चीजों को आप किसी को भी ना दें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही ज्ञान से भरपूर वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें।